भयानक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सिटी से जा रहे बहुत दूर कंट्री साइड या कह सकते विलेज एरिया। तो हम लोग दो दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर होम स्टे करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, हम लोग मतलब पर्थ से एल्बोनी जा रहे हैं और जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर्स है, लेकिन हम लोग थोड़ा घूम घूम कर जाएंगे तो 500 किलोमीटर्स तो होगा। और हम लोग बाय कार जा रहे हैं, तो हम लोग के साथ बनी रहिए। तो थोड़ा बहुत अपने साथ खाना भी पैक कर लिए है, उस बॉक्स में है पूरिया, सैंडविच, आपका सूखी आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, जीत के लिए राइस। तो लॉन्ग जर्नी है और मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाहर खाने को। सामने की तरफ नहीं बैठे हो, पीछे की तरफ बैठे हो मम्मा के साथ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत धूप है और मैं नींद आ रही है तुम्हें। अच्छा, जीत सामने की तरफ नहीं बैठे पापा के साथ, क्योंकि वापस वहाँ से बहुत धूप आ रही है, इसलिए जीत मम्मा के साथ बैठे हैं और उसको थोड़ा नींद भी आ रही है, थोड़ा नींद भी आ रही है, इसलिए वो पीछे बैठे हैं मम्मा के साथ, है ना जीत? हाँ। और जीत, तुम एंजॉय कर रहे हो ये ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव? और हम लोग यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले रहे हैं, और ऑन द वे अगर अच्छा कोई व्यू दिखे तो वहाँ पर हम लोग गाड़ी स्टॉप कर रहे हैं, उसके तरफ व्यू का मजा भी ले रहे हैं। हम लोग एक सॉल्ट लेक मिला, लेकिन मुंह पर आकर बैठ रही है, इसलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं खड़े रह सकते, मतलब जाएंगे अभी। अब सीजन ऐसा है कि बहुत मजा है। और रास्ते में ही एक और पार्क मिला, ये बहुत ही खूबसूरत था। एक्चुअली गाड़ी से वो स्टैचू देख रहे थे, वो शिव की है, बहुत बड़ी है, वही देखकर जीत यहाँ पर आना चाहते थे। मैं तो मना कर रही थी क्योंकि अभी भी हम लोग को बहुत दूर जाना है, तो इसीलिए मैं मना कर रही थी कि बीच बीच में रुकने से बहुत देर हो जाएगी, उधर शाम हो जाएगी। खाकरा, मेथी खाकरा, हाँ मैं पहली बार ही लाई हूँ इंडियन स्टोर से रेडीमेड, तो जीत को बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में और मुझे भी बहुत अच्छा लगा खाने में। मैंने वैसे और कुछ भी लाई हूँ इंडियन स्टोर से, कुछ रेडीमेड फूड, लेकिन मैं जीत को और कुछ नहीं अच्छा लगा, वो सिर्फ खाकरा ही खाया और थोड़ा जूस पिया। मुझे अच्छा लगता है सफ़र में थोड़ा गाड़ी भी चले और मूवी चले। यहाँ दूर दूर तक फार्मिंग एरिया है, दूर दूर तक खेती हो रही है, किसकी खेती है पता नहीं, गेहूं की या किसकी, दूर से गाड़ी से तो दिखाई नहीं दे रही है। और ऑन द वे हमें ये प्लेस मिली, और सच में हम लोग को नहीं मालूम था कि इतनी खूबसूरत जब जगह को हम लोग क्रॉस करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है कि चारों ओर ड्राइंग किया हुआ है, और इस बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल, ब्लू, ग्रीन, येलो।
से यहाँ की जो डिस्टेंस थी वो थी 400 किलोमीटर। अभी भी एल्होनी जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी भी 90 या 100 किलोमीटर बाकी है। तो व्यू बहुत अच्छा था, हम लोगों ने सोचा कि बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन बाहर बहुत मक्खियाँ है, पता नहीं क्यों बहुत मक्खियाँ है, इसलिए हम लोग गाड़ी में खाना खा रहे हैं। This is Stirling Mountain. Amazing view. और यहाँ से अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे अपने कॉटेज जहाँ पर हम लोग होम स्टे करेंगे और कहीं पर नहीं रुकेंगे कभी। अभी भी 90 या 100 किलोमीटर्स बाकी है और यहाँ पर बुश फायर होता है, ये फायर डेजर रेटिंग टुडे सब दिया रहता है। हम तो गूगल मैप की हेल्प से ही आते का ही, पर अभी आपका नेट हो गया ऑफ। तो जीत के पापा ऐसे चला रहे हैं, पता नहीं सही है या गलत है जो जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। अगर गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं तो अभी मज़ा ले लेकर ही जा रहे हैं। तो हमारा कॉटेज है यहाँ जंगल के बीचों बीच। क्या नाम? कॉटेज हमारा रूम। 500 किलोमीटर्स के लॉन्ग जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कॉटेज के बाहर इतना तो खूबसूरत नहीं दिख रहे कॉटेज, लेकिन अंदर बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया का विलेज एरिया है, यहाँ पर वाईफाई भी है, सब कुछ दिए हुए हैं। और बाहर का एरिया देखिए, और सैटरडे है तो दो चार गाड़ियाँ है, तो सब कुछ दिए है यहाँ पर। अपने शैम्पू कंडीशनर ये भी दिए हुए हैं, मैं लाई भी हूँ दिए है, और मिल चाय जो दीजिए। और यहाँ पर खा रहे हैं कुछ, उनके पापा थोड़ा उधर रेस्ट ले रहे हैं। ये है किचन, किचन है तो आप कुकिंग कर सकते हैं, कुकिंग का सब कुछ सामान है, फ्रिज ओवन सब कुछ, इंसान तो एक भी नहीं है। और ये ड्राइंग एरिया, यहाँ पर भी एक भी इंसान नहीं। और मेरा चाय रेडी।
अभी जीत को पीना है दूध, तो दूध गर्म करने आई हो किचन में बेटा। और देखिए बाहर भयानक किचन देखा सिर अंधकार है ना। और ये आपका रात के टाइम कॉटेज के बाहर की जो व्यू है तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी ट्रिप का वीडियो आते रहेगा अभी एक दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय।